हेलो माय डियर दोस्त, मैं सुजीत कुमार, कंसल्टेंट ऑटोमेटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्यूंट यानी मेडॉक्स रॉड। मेडॉक्स रॉड से हम लोग स्क्यूंट का कैसे पता लगाते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडॉक्स रॉड के स्टेप। हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले ट्रायल फ्रेम डालेंगे। ट्रायल फ्रेम में हम लोग क्या डालेंगे, मेडॉक्स रॉड डालेंगे। मेडॉक्स रॉड डालने के लिए हम लोग क्या कैसे डालेंगे, और अगर मेडॉक्स रॉड वर्टिकली डाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिप ऑफ लाइट दिखाना है पेशेंट को। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली मेडॉक्स रॉड को डाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, वर्टिकली पेशेंट को स्ट्रिप ऑफ लाइट दिखाना है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द सस्पेक्टिंग द वर्टिकल स्क्यूंट आई विल बी कीप द वर्टिकल। अगर हम पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस पेशेंट को जो है वो क्या है, वर्टिकली स्क्यूंट है, दैट मीन्स उसको क्या करना है, वर्टिकली ही मेडॉक्स रॉड को डालना है और उन्हें क्या दिखाना है, स्ट्रिप ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टली दिखाना है। अगर हम पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस पेशेंट को जो है वो हॉरिजॉन्टली स्क्यूंट है, दैट मीन्स उसे क्या करना है, उसे हॉरिजॉन्टली ही मेडॉक्स रॉड को डालना है और उन्हें क्या करना है, वर्टिकली स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट को दिखाना है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पेशेंट आया, हमने उन्हें राइट आई में कुछ नहीं डाला और लेफ्ट आई में ट्रायल फ्रेम के साथ में क्या डाला, मेडॉक्स रॉड डाल दिया। कैसे, वर्टिकली राइट आई से क्या दिख रहे हो, स्पॉट ऑफ लाइट दिख रहा है, मीन्स डिसिमिनेटेड इमेज दिख रहा है। लेफ्ट आई से क्या दिख रहे हो, वो स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट दिख रहा है, मीन्स वो डिप्लोपिया लाइट। दोनों सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन पे अगर दिखे मीन्स वो सिमिलर इमेज है, मीन्स वो अर्थोफोरिया है। तो हम लोग जानते हैं कि डिप्लोपिया को पता लगाने के लिए टू टाइप्स के प्रो का उपयोग करते हैं, क्रोसेड एंड अनक्रोसेड, मीन्स इक्जो एंड इसो। क्रोसेड में हम लोग क्या करते हैं, क्रोसेड में हम लोग राइट आई में अगर स्पॉट ऑफ लाइट दिखा रहा है तो लेफ्ट आई में क्या दिखाएंगे, स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट दिखा रहा है। तो क्या हुआ, वो क्रोसेड हो जा रहा है। जो राइट आई में हम दिखा रहे हैं स्पॉट ऑफ लाइट वो लेफ्ट आई में उनको दिख रहा है, और जो लेफ्ट आई में उनको स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट दिखा रहा है वो क्या हो रहा है, क्रॉस होके राइट आई में स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट दिख रहा है, मीन्स उनको क्या है, क्रोसेड है, मीन्स उनको इजोफोरिया है। अनक्रोसेड मीन्स उनको राइट आई में हमने क्या दिखाया, स्पॉट ऑफ लाइट दिखाया, और लेफ्ट आई में क्या दिखाया, स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट दिखाया। लेकिन क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, राइट आई में स्पॉट ऑफ लाइट दिखाया और उनको स्पॉट ऑफ लाइट ही दिख रहा है, मीन्स उनको इसो है। अगर स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट लेफ्ट आई में दिखा रहा है और लेफ्ट आई में भी क्या हुआ, स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट ही दिख रहा है, मीन्स उनको दोनों आंख में इसो है, इक्जो नहीं है, मीन्स अनक्रोसेड है वो। तो लाइट का सोर्सेज जानते हैं, 33 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, नियर फोरिया को टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिस्टेंस का दूर का फोरिया टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए, एक प्रिज्म बार चाहिए, एक ट्रायल फ्रेम होना चाहिए, और ए मेडॉक्स रॉड का जो का रूम होता है वो क्या होता है, सेमी डार्क रूम होना चाहिए, सेमी डार्क रूम प्रोड्यूसर है। और मेडॉक्स रॉड टेस्ट इट इज यूज टू द डिटरमाइन द साइक्लो डेविएशन। डबल मेडॉक्स रॉड हम लोग क्यों यूज करते हैं, साइक्लो डेविएशन को पता करने के लिए। प्रेस द रेड मेडॉक्स रॉड राइट आई, राइट आई में हम लोग क्या करेंगे, रेड मेडॉक्स रॉड को लगाएंगे, और लेफ्ट आई में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट मेडॉक्स रॉड को लगाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे कि लाइट ऑफ लाइंस मतलब स्ट्रीट ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द डिग्री टाइप ऑफ एविएशन, हम लोग डिग्री को एविएशन को पता करेंगे, एसेस बाय द एवरेशन ऑफ एंगल एंड पैरेलल लाइंस। सपोज कीजिए कि हम पर्सन को दोनों आंख में मेडॉक्स रॉड ट्रायल फ्रेम के साथ लगा दिया, उन्हें स्ट्रीट ऑफ लाइट दिखा रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन उनको कैसा दिख रहा है, और नहीं हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, नहीं उन्हें वर्टिकली दिख रहा है, मीन्स वह डिसमैच है, वह ना उनको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, ना उनको वर्टिकली दिख रहा है, उनको डिसमैच दिख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली के बीच में दिख रहा है या कहीं और डायरेक्शन में दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको मेडॉक्स रॉड को क्या करना है, रोटेट करना है, या हॉरिजॉन्टली दिखाना है या तो वर्टिकली दिखाना है। स्ट्रिक्ट ऑफ लाइट कैसा दिखना चाहिए, स्ट्रेट दिखना चाहिए। तो जो हमने रोटेट किया, जो मेडॉक्स रॉड को स्ट्रेट दिखाने के लिए, वो क्या हो गया, हमारा एक्सिस हो गया। उसको हम लोग साइक्लो में एक्सिस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना जो है उनका डेविएशन, साइक्लो डेविएशन है, वो एक्सिस में हम लोग कटआउट कर लेते हैं। इसी तरह से आंखों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आंखों से संबंधित वीडियो देखने के लिए